Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore from Navkar Institute. Today I will teach in standard 12 the main book Flamingo, the second lesson Lost Spring, and second story. In last lecture I have explained the first story. Now I will start the second story. The name of the story, I want to drive a car. This is also written by Anis Jung. Last जो story थी उसमें साहिब आलम नाम का एक जो रैक पिकर था उसके बारे में story थी। ये जो अनिस जंग है वो ऐसे ही area में घूमती रहती है जहाँ पर जो poor बच्चे है और उसके बारे में वो क्या करती है, जानती है और अपनी book लिखती है। तो यहाँ पर same story एक दूसरी है यहाँ पर, लेकिन एक मुकेश के बारे में है कि जो मुकेश है वो बैंगल मेकिंग का काम करता है और वो फिरोजाबाद में रहता है। तो यहाँ जो राइटर है वो मुकेश को मिलती है और मुकेश को पूछती है कि भाई आपका ख्वाब क्या है, आप क्या बनना चाहते हो। तो एट द टाइम मुकेश से कि भाई मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो उसने पूछा कि क्या आपके पास कार है, कि आपको पास कार है, तो बोले नहीं मैं कार चलाना सीखूँगा। अभी उसकी हालत देखकर लगता नहीं है कि भाई लाइफ में कभी जो उसका जो ड्रीम था मोटर मैकेनिक का वो कभी फुलफ़िल कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता था और ऐसे एरिया में, स्लम एरिया में रहता था कि वहाँ के मोस्ट ऑफ लोग ये बैंगल मेकिंग के बिजनेस में ही जुड़े हुए हैं। और उसके जो पेरेंट्स है, फोर फादर है, सब यही बिजनेस में से आगे निकल के आए हैं, एंड इन शॉर्ट सब लोगों ने यही बिजनेस किया है। अभी यहाँ बात कर रहे हैं कि मुकेश की फैमिली में, मुकेश उसका बड़ा भाई था, बड़े भाई की वाइफ थी, मुकेश के फादर थे और उसकी ग्रैंड माँ थी। ओके, तो यहाँ पर ये जो राइटर है ये मुकेश के साथ एक दिन उसके घर पर जाती है। तो ये मुकेश है वो ऐसे ऐसे रास्ते से ये राइटर को अपने घर पे ले जाता है कि जो रास्ते पे बहुत सारा गार्बेज कचरा पड़ा था, जो लाइन थी, जो स्ट्रीट थी बहुत ही छोटी थी, बहुत ज़्यादा गंदगी थी और आसपास में सब झुपड़पट्टी थी। ऐसे झुपड़पट्टी वाले विस्तार में से ये राइटर को चलते हुए धीरे धीरे अपने घर ले जाता है। ओके, अलग अलग छोटी छोटी जो स्ट्रीट आती रहती है वो स्ट्रीट में मुड़ता रहता है, राइटर उनके साथ जाते हैं, राइटर आसपास का एरिया देखते हैं। तो सी इज ऑल्सो फील दैट इट्स रियली वेरी पुअर स्लम एरिया है, वहाँ बहुत सारी गंदगी है, वहाँ पर कोई ड्रेनेज की फैसिलिटी नहीं थी, पानी की भी फैसिलिटी प्रॉपर नहीं थी, फिर भी सब लोग वहाँ पर रहते थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक घर के सामने ये मुकेश खड़ा रहा। वो घर देखा तो घर के मोस्ट ऑफ जो वहाँ पर घर थे उनकी छत भी प्रॉपर नहीं थी और हर एक जो दरवाजे थे वो भी कैसे हिलते थे, दैट मीन्स वो प्रॉपरली लगे हुए नहीं थे और कोई भी घर पक्का नहीं था, झुपड़पट्टी पूरा स्टार था। तो उसने धीरे से दरवाज़ा खोला मुकेश ने अपने घर का और एंटर हुआ। और ये जो राइटर है अनिस जंग उसको भी घर में एंटर होने के लिए कहता है। जब वो राइटर अंदर एंटर होती है तो वहाँ पर देखती है कि एक लड़की वो चूल्हे के पास बैठी है, आसपास कुछ ये चूल्हे में जलाने के लिए जो फ्यूल था यानी अलग अलग लकड़ी या भूसा वो सब पड़ा हुआ था। उसने देखा कि चूल्हे के ऊपर उसने एक कढ़ाई रखी थी और उसके पास में चॉप्ड वेजिटेबल्स पड़े थे। अभी वो जो लड़की थी जो बना रही थी वो फ्रेल यानी दिखने में बहुत ही वीक, ओके, जैसे बहुत ही दुबली पतली थी, वो वुमन को देखता है। लेकिन फिर भी जैसे राइटर को, अनिस जंग को देखा तो वो लड़की ने क्या दी, स्माइल दी। अभी बाद में पता चला राइटर को कि ये जो लेडी थी वो उसके बड़े भाई यानी मुकेश का जो बड़ा भाई था उसकी वाइफ थी और ये इतनी छोटी एज में उसने पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। क्योंकि मैंने बोला कि भाई मुकेश के वहाँ मुकेश उसका बड़ा भाई और उसके फादर, उसकी मदर नहीं थी, यानी तीनों जो जेंट्स है उनके पूरी जवाबदारी और उसके बाद उसकी ग्रैंड मदर थी। तो हर एक लोगों को खाना पीना, उसके बाद उनके लिए जो जो छोटी मोटी जो काम करना था वो सब, ये एक छोटी लड़की थी। लेकिन नाउ सी इज़ अ
बहू ये जो घर की थी वो बहू थी और बहू की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फुलफिल कर रही थी। थोड़ी देर के बाद ये जो मुकेश के फादर थे वो घर में एंटर हुए, तो जैसे वो एंटर हुए तो ये जो मुकेश की बड़े भाई की बहू थी यानी मुकेश की भाभी वो एक टूटी हुई दीवार के पीछे चली गई और उसने क्या किया, अपना जो साड़ी थी उससे उसने अपना चेहरा ढक दिया। यानी वन टाइप ऑफ ट्रेडिशन के बड़े घर में कोई भी आते हैं तो उनसे अपना मुंह छुपाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने आप को घूंघट में ढक देते। तो इसी तरह से जैसे उनके घर में भी ये ट्रेडिशन थी कि जैसे ही ये मुकेश के फादर एंटर हुए तो उसने अपने आप को क्या किया, वो घूंघट में ढक दिया। उसके बाद ये जो राइटर है अनीस जंग वो मुकेश के जो फादर थे उनसे बात की, उनसे उन्होंने जाना कि उनके फादर पहले टेलरिंग का काम करते थे लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कुछ मिलता नहीं था, जिसकी वजह से वो ये बैंगल मेकिंग के बिज़नेस में आ गए। लेकिन फिर भी बैंगल मेकिंग के बिज़नेस में भी उन्होंने कुछ खास, जैसे कि अपना घर था वो अपना अच्छा घर भी बना नहीं सके, लेकिन घर में जो उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल करने के लिए पहले वो अकेले काम करते थे, फिर ये जैसे मुकेश का बड़ा भाई थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको भी अपने साथ में काम में ले लिया और अभी तो इवन मुकेश भी क्या करता था, वो बैंगल मेकिंग के बिजनेस में जाता था और उसके आसपास जितने भी छोटे बच्चे थे उसकी एज वाले वो सब लोग ये बिजनेस के साथ कनेक्टेड थे। उसका रीज़न ये था कि ये लोग इतना कम कमाते थे कि सब लोग काम करने के बावजूद वो इतना नहीं कमाते थे कि उनके घर का सर्वाइव कर सके। यानी ये बच्चे थोड़े भी जैसे समझदार हुए कि नहीं हुए, ऑन द स्पॉट पेरेंट्स लोग क्या करते थे, उनको अपने साथ में ये बिजनेस में ले लेते थे जिसकी वजह से उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिले। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ तक ये स्टोरी की, अभी उससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्ले करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।